बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज मुर्तजा काइत एंड वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ कंसोलिडेशन। आज की इस वीडियो में अगेन हम एक कंसोलिडेशन से पढ़ने के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, दैट इज कैंसिलेशन ऑफ इंटर कंपनी बैलेंसेस। देखें, कंसोलिडेशन की प्रोसेस में होगा ये कि जब आप सब्सिडरी और पेरेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करोगे, यानी कि कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, तो पेरेंट और सब्सिडरीज के दरमियान आपस में जितने भी इंटर कंपनी बैलेंसेस आ रहे होंगे, जितने भी इंटर कंपनी रिसीवेबल या पेबल आ रहे होंगे, जितने भी इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट्स और इक्विटी आ रही होगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, हम इंटर कंपनी बैलेंसेस को आपस में एक दूसरे से कैंसिल कर रहे होंगे। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मंतक है, उसको मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि दो इंडिविजुअल्स हैं, मिस्टर काइट दैट इज फादर एंड मिस्टर मुर्तुजा दैट इज सन। ये दो सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि दो सेपरेट लीगल पर्सन हैं, दो सेपरेट नेचुरल पर्सन हैं। मिस्टर काइट के पास अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में 1 करोड़ रुपए का कैश रखा हुआ था। मिस्टर काइट के पास अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में 1 करोड़ रुपए का कैश रखा हुआ था। उनके बेटे मिस्टर मुर्तुजा को किसी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए की लोन रिक्वायर्ड था। तो मिस्टर मुर्तुजा ने क्या करा कि अपने ही फादर से, मिस्टर काइट से, 1 करोड़ रुपए का, यानी कि 10 मिलियन रुपीज का लोन लिया। अब ये लोन ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद अगर हम मिस्टर काइट जो कि एक सेपरेट नेचुरल पर्सन उसकी बैलेंस शीट को देखें, मिस्टर मुर्तुजा जो कि एक सेपरेट नेचुरल पर्सन उनकी बैलेंस शीट को देखें, तो मिस्टर काइट की बैलेंस शीट में आपको लोन रिसीवेबल 1 करोड़ रुपए का एसेट नजर आ रहा होगा, यानी कि मिस्टर काइट के जो नेट एसेट्स हैं वो 1 करोड़ रुपए के। मिस्टर मुर्तुजा की बैलेंस शीट में जो इन्होंने अपने फादर मिस्टर काइट से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया वो कैश कीमत में नजर आ रहा होगा, और साथ साथ अपने फादर की तरफ एक लोन लायबिलिटी नजर आ रही होगी 1 करोड़ रुपए की, यानी कि मिस्टर मुर्तुजा के नेट एसेट्स 0 हैं। अब अगर आपसे मैं कहूं कि मिस्टर काइत की वेल्थ स्टेटमेंट में 1 करोड़ रुपए का लोन रिसीवेबल, मिस्टर मुर्तुजा की बैलेंस शीट में 1 करोड़ रुपए का कैश और 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी, अगर आपसे ये कहा जाए कि सर इस पूरी फैमिली की, यानी कि जो काइत एंड सन्स एक फैमिली है, इस फैमिली के एसेट्स कितने होंगे, तो सर मिस्टर काइत के एसेट्स में 1 करोड़ रुपए का लोन रिसीवेबल आ रहा है और मिस्टर मुर्तुजा के एसेट्स में 1 करोड़ रुपए का कैश आ रहा है, तो क्या काइत एंड सन्स ये जो कंबाइंड फैमिली बनेगी इनके असासे, इनके एसेट्स 2 करोड़ के हो जाएंगे? द आंसर इज नो। रीजन बीइंग कि मिस्टर काइत के पास जो लोन रिसीवेबल का एसेट आ रहा है वो अपनी ही बेटी की तरफ आ रहा है और उनके बेटे के पास 1 करोड़ रुपए का कैश रखा हुआ है। तो अगर आप इस पूरी फैमिली, यानी कि काइत एंड सन्स के कुल असासे देखेंगे तो वो सिर्फ एक कैश ही है, यानी कि जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे होंगे, या अगर मैं इस काइत एंड सन्स की कंसोलिडेटेड एसेट या कंसोलिडेटेड वेल्थ वर्कआउट कर रहा होगा, तो इनका वो 1 करोड़ रुपए का लोन रिसीवेबल जो इनके बेटे की तरफ आ रहा है, इनके बेटे के पास जो लोन पेबल जो इनके फादर की तरफ आ रहा है, सर ये दोनों आपस में एक दूसरे से नॉकअप हो रहे होंगे। और जब इनकी फैमिली की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर सिर्फ 1 करोड़ रुपए का कैश नजर आ रहा होगा। हम हरगिज ये नहीं करेंगे कि मिस्टर काइत का लोन रिसीवेबल फ्रॉम द सन एक अलग एसेट है और मिस्टर मुर्तुजा का 1 करोड़ रुपए का कैश एक अलग एसेट है, और हम ये कहे कि काइत एंड सन्स के 2 रुपए का एसेट है, क्योंकि ये तो एक अजीब सी बात हो गई ना कि मैं अपने आप को लोन देकर उसको एक सेपरेट एसेट क्रिएट कर रहा हूँ। एक्चुअली ये लोन रिसीवेबल लोन पेबल दोनों फैमिली मेंबर्स के दरमियान इंटर कंपनी बैलेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जा रहे होंगे तो इस लोन रिसीवेबल लोन पेबल को हम कैंसिल कर रहे होंगे और इनकी जो अल्टीमेट, यानी कि काइत एंड सन्स की आप अल्टीमेट अगर बैलेंस शीट बनाए तो उसपे सिर्फ 1 करोड़ रुपए का कैश, यानी कि 1 करोड़ रुपए के नेट एसेट्स नजर आ रहे होंगे। अब इसी चीज को अगर हम कंसोलिडेटेड प्रेजेंटेशन या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेरेंट कंपनी है, हमारे पास एक सब्सिडी कंपनी है। पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट पे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी आ रहा है 5 लाख रुपए, यानी पेरेंट कंपनी ने सब्सिडी के शेयर्स या सब्सिडी को एक्वायर किया 5 लाख रुपए में। पेरेंट की बैलेंस शीट में लोन रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडी आ रहा है 2 लाख रुपए, यानी कि इन्होंने अपनी सब्सिडी को 2 लाख रुपए का लोन भी दिया। पेरेंट की बैलेंस शीट में बाकी अदर एसेट्स आ रहे 8 लाख रुपए, ये कोई और अदर एसेट्स होंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, रिसीवेबल्स, इन्वेंटरी एंड अदर थिंग्स। तो टोटल एसेट्स पेरेंट के पास आ रहे हैं 15 लाख रुपए के। पेरेंट के पास कोई लायबिलिटीज आ रही है 6 लाख रुपए की, यानी कि पेरेंट के नेट एसेट्स आ रहे हैं 9 लाख रुपए के, 15 लाख माइनस 6 लाख, तो 9 लाख रुपए के एसेट्स। और जितने नेट एसेट्स है उतनी ही नेट इक्विटी भी होगी, तो नेट इक्विटी में हमारे पास 3 लाख रुपए का शेयर कैपिटल और 6 लाख रुपए की रिटेन अर्निंग्स, यानी कि 9 लाख की नेट इक्विटी आ रही है। तो पेरेंट की बैलेंस शीट की पोजीशन ये है कि 15 लाख के टोटल एसेट्स, 6 लाख रुपए की लायबिलिटी, 9 लाख रुपए के नेट एसेट्स यानी कि नेट इक्विटी 9 लाख रुपए, और एसेट्स में 5 लाख रुपए सब्सिडी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, 2 लाख रुपए का सब्सिडी को लोन दिया है और 8 लाख रुपए के बाकी अदर एसेट्स आ रहे हैं, इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक रिसीवेबल, ये सारी चीजें। अच्छा, सब्सिडी की बैलेंस शीट देखें
तो सब्सिडियरी की बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स आ रहे 8.5 लाख रुपए के, ये डिफरेंट तरह के एसेट्स होंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल एंड सो ऑन। सब्सिडियरी की बैलेंस शीट में लोन पेबल आ रहा है, लोन पेबल टू पेरेंट कंपनी 2 लाख रुपए, यानी कि यही वाला लोन जो पेरेंट के पास लोन रिसीवेबल आ रहा है, सब्सिडियरी के पास लोन पेबल आ रहा है। इसके बाद पेरेंट के पास, सॉरी सब्सिडियरी के पास कुछ अदर लाइबिलिटीज आ रही है 1.5 लाख रुपए की, यानी सब्सिडियरी की टोटल लाइबिलिटीज है 3.5 लाख रुपए की। तो टोटल एसेट्स 8.5 लाख रुपए, टोटल लाइबिलिटीज 3.5 लाख रुपए, तो सब्सिडियरी के नेट एसेट्स आ गए 5 लाख रुपए की। और सब्सिडियरी के शेयर कैपिटल में 2.5 लाख रुपए, रिटेन अर्निंग में 2.5 लाख रुपए, यानी कि 5 लाख रुपए की नेट इक्विटी आ रही है। ये पेरेंट और सब्सिडियरी की मैंने बैलेंस शीट बनाई है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे ये पोजीशन है कि पेरेंट की बैलेंस शीट में ये एसेट ये लाइबिलिटीज आ रही है, सब्सिडियरी की बैलेंस शीट में ये एसेट ये लाइबिलिटीज आ रही है। अब आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो इन पेरेंट और सब्सिडियरीज के दरमियान जो इंटर कंपनी बैलेंसेस है ना, उनको नॉक ऑफ, उनको कैंसिल कर दोगे। किस तरीके से देखिएगा सर, पेरेंट की बैलेंस शीट में, पेरेंट की बैलेंस शीट में ये जो 2 लाख रुपए का लोन रिसीवेबल आ रहा है, ये फ्रॉम सब्सिडियरी आ रहा है, तो हम इस 2 लाख रुपए के लोन रिसीवेबल को कैंसिल करेंगे सब्सिडियरी की बैलेंस शीट में जो 2 लाख रुपए का लोन पेबल टू पेरेंट कंपनी आ रहा है, क्योंकि ये 2 लाख रुपए का लोन रिसीवेबल पेरेंट की बैलेंस शीट में, 2 लाख रुपए का लोन पेबल सब्सिडियरी की बैलेंस शीट में, ये आपस में एक दूसरे का ही रिसीवेबल पेबल बैलेंस है, इंटर कंपनी बैलेंसेस है। इसी तरह से पेरेंट की बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी आ रहा है, ये जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी 5 लाख रुपए आ रहा है, इसके बदले में हमने सब्सिडियरी की इक्विटी को एक्वायर किया है, यानी कि सब्सिडियरी के शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स को एक्वायर किया है। हमने जो 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है वो एग्जैक्टली सब्सिडियरी के रिटेन अर्निंग्स और इक्विटी के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स के नंबर को कैंसिल कर रहा है। तो ये भी एक तरह से इंटर कंपनी बैलेंसेस है, सेम इसी तरह से जिस तरह से लोन रिसीवेबल या लोन पेबल है। तो जिस तरह मैं लोन रिसीवेबल या लोन पेबल को कैंसिल करूंगा, उसी तरीके से अगर पेरेंट ने सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट की है तो पेरेंट की वो इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएगी। सब्सिडियरी की बुक्स में जो शेयर कैपिटल और इक्विटी, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन आ रहे हैं, उनको भी आपस में कैंसिल कर देंगे। तो मैंने 2 लाख रुपए के लोन रिसीवेबल को 2 लाख रुपए के लोन पेबल से कैंसिल किया, 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज को सब्सिडी के शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, मेरे लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन की बात कर रहा हूं, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन के इक्विटी के नंबर से कैंसिल कर दिया। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स या पोस्ट एक्विजिशन अर्निंग्स होंगी उनको तो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे लेके जाएंगे, लेकिन डेट ऑफ एक्विजिशन पे सब्सिडी की जो भी इक्विटी होगी वो पेरेंट की इन्वेस्टमेंट से कैंसिल या नॉक ऑफ हो जाएगी। अब अल्टीमेटली हमारी बैलेंस शीट पे क्या नंबर जाएगा सर, पेरेंट के एसेट्स हैं 8 लाख रुपए के, सब्सिडी के एसेट्स हैं 8.5 लाख रुपए के, तो 8 लाख प्लस 8.5 लाख यानी के 16.5 लाख, 16.5 लाख के टोटल एसेट्स। सर पेरेंट की लाइबिलिटीज हैं 6 लाख रुपए की, सब्सिडियरी की अदर लाइबिलिटीज है 1.5 लाख रुपए की, तो 6 लाख प्लस 1.5 लाख तो ये आ गया 7.5 लाख रुपए। तो 16.5 लाख के एसेट्स, 7.5 लाख रुपए की लाइबिलिटीज, यानी के 9 लाख रुपए के नेट एसेट्स। और सब्सिडी का तो हमने एट द डेट ऑफ एक्विजिशन का इक्विटी और रिटेन अर्निंग का नंबर ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है, तो कंसोलिडेट बैलेंस शीट पे सिर्फ पेरेंट का शेयर कैपिटल, पेरेंट का रिटेन अर्निंग जा रहा होगा, दैट इज 3 लाख और 9 लाख, सॉरी 3 लाख और 6 लाख, दैट इज 9 लाख रुपए। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैंने बताने की ये कोशिश की है कि पेरेंट और सब्सिडी के दरमियान जितने भी इंटर कंपनी बैलेंसेस आ रहे होंगे, कोई रिसीवेबल पेबल आ रहा है, कोई लोन रिसीवेबल पेबल आ रहा है, तो इसे हम कैंसिल कर रहे होंगे। सिमिलरली पेरेंट ने सब्सिडी का इक्विटी स्टेक एक्वायर करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट पेरेंट की बुक से नॉक ऑफ होगी, कैंसिल होगी, और सब्सिडी की बुक से इक्विटी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि सब्सिडी का जो भी शेयर कैपिटल या रिटेन अर्निंग्स या जो भी अदर रिजर्व एट द डेट ऑफ एक्विजिशन है, वो पेरेंट की इन्वेस्टमेंट से नॉक ऑफ हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके अलावा पेरेंट के जो एसेट्स हैं, उसके अलावा पेरेंट की जो लाइबिलिटीज हैं, उसके अलावा सब्सिडी के जो एसेट्स हैं, उसके अलावा सब्सिडी की जो लाइबिलिटीज है सर, इसके अलावा पेरेंट की 100% इक्विटी, एंड आने वाले वक्त में हम पढ़ेंगे कि जो सब्सिडियरी की पोस्ट एक्विजिशन अर्निंग्स या पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स होंगे, ये चीजें आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। तो अब अल्टीमेटली थोड़ा समराइज करने की कोशिश करें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से। देखिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स है, एक मेमोरेंडम अकाउंट्स है, यानी कि जिस तरीके से आप एक नॉर्मल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, तो इसकी बैक पे तो बहुत सारी जनरल एंट्रीज होती हैं,
वो सारी जनरल एंट्री, जनरल लेजर या ट्रायल बैलेंस में अल्टीमेटली क्लोज हो रही होती है, और फिर ट्रायल बैलेंस को देखकर आप किसी भी कंपनी के सेपरेट या इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देते हो। लेकिन कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरह से नहीं बनते। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आपके पास कोई ट्रायल बैलेंस या कोई जनरल लेजर अवेलेबल नहीं होगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए हमारे पास पेरेंट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे। मैं रिपीट करता हूं, एक नॉर्मल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनते हैं कि नॉर्मल कंपनीज की सारी जनरल एंट्रीज उठाई जाती हैं, उनको ट्रायल बैलेंस में बंद किया जाता है और फिर ट्रायल बैलेंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देते हो। लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के पीछे कोई हमारे पास ट्रायल बैलेंस या कोई जनरल लेजर अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि हम पेरेंट के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाएंगे, सब्सिडरीज के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाएंगे और इन दोनों को कंसोलिडेट करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जा रहे होंगे। तो ये एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड है जिसके बैक पे कोई ट्रायल बैलेंस नहीं होगा। हर साल के आखिर में जब जब आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होंगे, तो पहले हमें पेरेंट के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पहले हमें सब्सिडरी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। पेरेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे, सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे, इनको कंसोलिडेट करके हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देंगे हर ईयर एंड कैंड पे। और लास्ट बात, ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, अभी तक हमने इंटर कंपनी बैलेंसेस के कैंसिलेशन की एडजस्टमेंट देखी, आने वाले वक्तों में आप बहुत सारी और एडजस्टमेंट सीखेंगे। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, वो सारी एडजस्टमेंट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही रिकॉर्ड होती है। सब्सिडरी और पेरेंट के जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कंसोलिडेशन की कोई भी एडजस्टमेंट सब्सिडरी और पेरेंट के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी। यानी पेरेंट के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग बनाए जा रहे हैं, सब्सिडरी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग बनाए जा रहे हैं, और फिर इन दोनों को उठाकर कंसोलिडेट किया जा रहा है और उसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एडजस्टमेंट की जाएगी। जो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एडजस्टमेंट की जाएगी, ये एडजस्टमेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगी, पेरेंट और सब्सिडी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इन कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं जा रहा होगा। तो आज की क्लास में हमने एक आसान सा लेकिन बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा है कि कंसोलिडेशन के प्रोसेसेस में पेरेंट सब्सिडीज के दरमियान जितने भी इंटर कंपनी बैलेंसेस होंगे, चाहे वो लोन रिसीवेबल लोन पेबल हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी या सब्सिडी के शेयर कैपिटल रिटेनिंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हो, ये सारे इंटर कंपनी बैलेंसेस कैंसिल हो जाएंगे और कंसोलिडेशन हर ईयर एंड के आखिर में किसी ट्रायल बैलेंस की बेसिस पे नहीं, बल्कि पेरेंट और सब्सिडी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठाकर बनाया जा रहा होगा। आई होप कि ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह कंसोलिडेशन के कुछ प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल सिनेरियो से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।